ओके okay? और एक ऐसी फिल्म जिसे देख के देखने के बाद यू नो आई वाज सो अमेज्ड एंड वाज सो विद द एक्टर्स परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग वो एक अमेजिंग फिल्म है ओवरऑल अमेजिंग फिल्म है hmm. उसके बाद एक न्यूज आई कि इसके हिंदी राइट्स जॉन इब्राहिम ने लिए हैं ओके ओके सो ये हिंदी में बनने वाली है जिसमें है जॉन इब्राहम एंड जूनियर बच्चन ओके 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 सो मुझे पता नहीं कि हिंदी में उसका क्या होगा अच्छे hmm. से बनेगी या खराब बनेगी क्या असर होगा hmm. लेकिन

डायरेक्टर आई थिंक ओके सो इट्स जस्ट आई हैव अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस मैंने दिल्ली रिव्यू भी किया था ऑलमोस्ट वन ईयर बैक

नाम शेखर या या अगले ओके ओ म्यूजिक रिलीज वर सप्टेंबर टूस अह देयर वाज नो सबटाइटल्स या okay. oh, हाँ. uh, no hmm. uh, नाम के बारे में मुझे पता चल गया अह यू डिड यू सॉ द डेट इट्स जैन कौन सी फिल्म का हमने किया था जो कि जैन में आने वाली है यही डेट पे आई थिंक एक दिन पहले

सेट कैप्शन ले जाओ बोल को पीछे ली चलाओं सेट क्या ढूंढ रहे हो कैप्शन ढूंढ रहे हो हाँ नहीं है जाओ ऐसा बोल रहे हो इसे <laughs> अच्छा ओके okay. सो okay, so, uh, hmm. वो जो फिल्म थी ना वो जो ओरिजिनल फिल्म वो दोनों एक्टर्स के नामों के ऊपर थी hmm. अपन

मे बी दट वॉट ही सेट नीचे अगर कमेंट्स में आएंगे तो कुछ कहीं ना कहीं तो लिखा होगा वहाँ पर आज पीछा टू डे अरे नीचे नीचे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना हमको पवर स्टार आफ्टर सो मेनी ओके ओके स्टेन टिकन टू ट्वेंटर लेवल ओके पवन कल्याण एक्सप्रेशन बीजे

उसका ओरिजिनल नाम है कलकट्टा इट्स अ सॉन्ग ओके फ्रॉम द फिल्म लेकिन उसी में गाना है क्या नहीं अच्छा। uh, लेकिन जिसे वो गाया है ना hmm. वो लेडी का uh, वो गाना वायरल हो गया था ऑन सोशल मीडिया उसके बाद दे यू यू नो नो टू सिंग फॉर दैट और उन्होंने hmm. फिल्म में गाया उसके बाद बहुत फेमस हुआ एंड इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग मैं जब सुना था ना वीडियो वॉज लाइक डांसिंग जस्ट इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग और वो फिल्म का एक अलग ही मजा लेके जाती वो इवन I mean, वो जो ओरिजिनल ट्रेलर था ना उसको भी यही बीजीएम दिया गया था hmm. वो एक अनदर लेवल था एंड यहाँ पर आई थिंक उसे रिमेक किया गया है अगेन ये बट नॉट अ सेम वॉइस द सेम सॉन्ग वॉज यूज्ड इन दिस मूवी हिंदी मूवी लूडो वेरिन वहाँ पे एक मलयालम का रेफरेंस दिखाते हैं वो अच्छा तो वहाँ चा, चा, पे राइट राइट दैट वाज फिल्म वही फिल्म्स का रेफरेंस दिखाते हैं बट आई मस्ट से कि उस फिल्म में जो काम किया है ना दोनों hmm. ने बीजू मेमन सर एंड पृथ्वीराज ने अमेजिंग आई एम सॉरी लेकिन मैं इस दोनों फिल्म को कंपेयर नहीं करूँगा hmm. लेकिन वहां पर बीजू मेमन को hmm. स्लो मोशन की जरूरत नहीं थी hmm. You know, the stylish walk की जरूरत नहीं थी इज अ वेरी नेचुरल और ये सीन पर देखने को मिल रही है होटल mm -hmm. mm -hmm. जहाँ पर दर गाइज स्टेइंग सो वहां पर मारने के लिए उनको आते हैं सो so द्लिक छोटी कॉन्फ्लिक्ट होती है वहां पर ओके यू नो जब वो आते हैं ना तो जस्ट कम वेरी नेचुरल वो बाइक में आते हैं बाइक छोड़ते हैं यू नो जस्ट ही वॉक स्लो यू नो जब वॉक करें धन 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 मारते मारते सीधा रूम को रूम काम जाता है तो वो डायलॉग्स हैं वहाँ पर है यार वगैरह वगैरह जो भी है वो होता है लेकिन वहाँ पर स्लो मोशन यू नो you know, इस तरीके से नहीं यहाँ पर डेफिनेटली ऑडियंस के ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर mm -hmm. बहुत ज्यादा स्लो मोशन वगैरह यूज़ mm -hmm. किया गया बिकॉज मलयालम ऑडियंस का टेस्ट बहुत अलग है एंड तेलुगु ऑडियंस का टेस्ट बहुत अलग है सो यू से या इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग ट्रेलर और मुझे वो पता है जो वही लैंग्वेज का वही लगा मुझे आई डोंट नो आई माइट बी रॉन्ग उन्होंने पहले नाम बोला उसके बाद बोला क्या ढूंढ रहे हो कैप्शन ढूंढ रहे हो uh -huh. नहीं है जब ऐसा कुछ लगेगा पर समझ नहीं आया ऐसा कुछ ऐसा बोल रहे थे वो अच्छा मैंने एक वर्ड को सुना दोबारा से मैंने वही लगा मुझे यू यू लेट नो दैट्स द वन स्टोरी का प्लॉट बहुत सिंपल है यू नो दैट नहीं इट्स नॉट अ स्पॉइलर फॉर यू ये स्टोरी शुरू होती है uh, ये द uh, गाय जो पवन कल्याण रोल प्ले कर रहे हैं उसमें बीजे hmm. मैंने प्ले किया था इज अ पुलिस ऑफिसर ओके द अदर गाय जो भी हैं उसमें पृथ्वीराज थे इसमें राणा है तो वो बस ट्रैवल कर रहे हैं केरला के थ्रू वो अल्कोहल यूज कर रहे हैं ओके सो चेकिंग में वो खड़ाते हैं उनकी गाड़ी को खड़ाने के बाद वो चेक करते हैं तो अल्कोहल होता है तो अल्कोहल चेक करके यू you know, uh, नो वो कहते हैं कि इट्स नॉट अलाउड इन द फॉरेस्ट एरिया वगैरह वगैरह वहाँ से बात बढ़ते बढ़ते वो आवाज़ उठाते हैं ये आवाज़ उठाते हैं यू नो छोटी ये होती है तो बीजू क्या करते हैं अरेस्ट करके स्टेशन को लेके जाते हैं वहाँ से Hmm. वो छोटी चीज इतनी बड़ी होती है दोनों के बीच में यू hmm. नो you know, दुश्मनी जो होता है रिवेंज hmm. वो बढ़ते 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 इस तरीके का आता है कि इनके घर तक पहुंच जाती है hmm. इनके पूरे करियर के ऊपर पहुंच जाती है इनका घर चला जाता है इनकी नौकरी चली जाती है यू you नो know, hmm. तो वो बढ़ते 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 इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है कि की फाइनलीट्स वॉर एक्चुअली दोनों के बीच में यू नो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया है उस फिल्म में इट्स एन अमेजिंग इट्स अ थ्री आवर फिल्म और थ्री आवर में आप बोर नहीं होंगे कहीं पर भी

Mm -hmm. जब ये आमने सामने होते हैं ना तो बहुत एक इंटरवल फाइट है और क्लाइमैक्स mm -hmm. फाइट है इट्स एन अमेजिंग फिल्म आई आई थिंक विल यू नो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये फिल्म देखो आई थिंक लूसीफर को बहुत दिन से बोल रहा हूँ अभी तक बंदा देखा नहीं देखेंगे mm -hmm. mm -hmm. uh, बहुत लोग बोलते हैं हाँ uh, कुंबलिंग नाइट्स के लिए बोल रहा हूँ वो भी नहीं देख रहा है बंदा अभी mm -hmm. इस फिल्म के लिए ही बोल रहा हूँ इट्स नॉट यू नो वन ऑफ द बेस्ट मलयालम फिल्म मैं इसके रेफरेंस में बोल रहा हूँ बीजेम बट स्टिल ओरिजिनल वाला बहुत अच्छा था

डेफिनेटली एंड आई थिंक मैंने जब इसके बारे में सुना था कि पवन कल्याण और राना दघुपति प्ले करने वाले हैं रोल वंडरिंग राणा दगुपति की पर्सनैलिटी और पवन कल्याण की पर्सनैलिटी क्या hmm. दोनों ही मैच कर पाएंगे यू नो यहाँ पर पवन कल्याण इज लुकिंग अ वेरी स्ट्रॉ अवतार आई थिंक वो इज अड एक्टर्स ऑन पीपल्पल है क्योंकि मुझे लगा वो मुझे ऐसा लोगों को गुस्सा आता है जब मैं बोलता हूँ ये लोग मुझे मारने का डरते हैं लेकिन फिर भी स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पे मुझे पसंद आ गए भैया पवन कल्याण वेरी गुड इन दिस लेकिन हमें जब पवन कल्याण और राना को जो फेस ऑफ देखने को मिलेगा जो ट्रेलर में या कभी विद इन सी क्या ये दोनों एक दूसरे को मैच yes. ओके सो या दिस वाज अमेजिंग वन अमेजिंग फिल्म एक्चुअली हम लोग लेट हो गए इसके लिए दो दिन लेट हो गए बिकॉज hmm. हमें रिएक्ट कब भी करना था और आप लोगों ने मुझे भेजा भी था डी एम अनफॉर्चुनेट नहीं कर पाए यू नो आई अपन खुशम का जो टेस्ट मेरे इसमें है ना वो अलग ही है सो hmm. so, मैं हूँ चाहे ये हो चाहे आप हो mm. जब ओरिजिनल देख लेते हैं ना तो उसके mm. बाद जब रीमेक बनता है तो रीमेक को हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है अनटिल mm. एनलेस वो पूरी फिल्म हम लोग नहीं देखते mm. और डेफिनेटली यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि बोथ द एक्टर्स आर अमेजिंग एक्टर्स पवन कल्याण राणा गघुपति उन्होंने शायद बहुत अच्छा काम किया होगा इसमें वो हमें फिल्म देखने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि क्या वी कैन कंपेयर दिस फिल्म कौन सी फिल्म बेहतर है या नहीं है यू नो ओरिजिनल को हम डेफिनेटली वी खान से कि ओरिजिनल इज वो अगर ये आगे भी गई और अच्छी भी बन गई तो हम ये नहीं बोल सकते कि ओरिजिनल अच्छी नहीं थी